जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं जन्माष्टमी के ऊपर। जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है 7 सितंबर को, जन्माष्टमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है और क्यों होता है, उस बात को आप समझिए और उसके रहस्य को समझिए। देखिए, सृष्टिकर्ता वो परमपिता परमात्मा वो भगवान विष्णु का वो रूप जो कि एक अपने अंश के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो अपने एक अंश के रूप में ही अवतार लेते हैं इस दुनिया में। जब वो आते हैं संसार में, वो आते हैं, चाहे वो प्रकट होकर आना चाहें तो प्रकट होकर आ सकते हैं, वो चाहें तो गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं, ये उनके ऊपर है, उनकी इच्छा के ऊपर है। वो चाहें तो एक खंभे से भी प्रकट हो सकते हैं। तो वो जो परमात्मा है भगवान विष्णु, भगवान नारायण, चाहे आप उन्हें जिस भी नाम से पुकारो, लेकिन सृष्टिकर्ता जब भी इस धरती पर आते हैं तो वो ऐसे दिन का चुनाव करते हैं, ऐसे समय का चुनाव करते हैं जो सामान्य नहीं होता, सामान्य से बढ़कर होता है। तो जन्माष्टमी का दिन भी क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए कि जिस दिन सृष्टिकर्ता इस संसार में आते हैं, उस दिन ये निश्चित किया जाता है कि जितने भी संसार में उपस्थित जो अच्छे उच्च कोटि के जीव होते हैं, जो कि मनुष्य हैं, जो मनुष्य कहलाते हैं सबसे, क्योंकि देखो जीव जंतुओं को तो इसकी जानकारी होती नहीं है, ना समझ होती है, लेकिन मनुष्यों को तो होती है। तो मनुष्यों को ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो उस समय लोगों को नहीं पता थी। साधु महात्मा संतों को सभी को पता था, सभी को पता होता था। जैसे हमें ये पता है कि भाई कल के अवतार होना है कलयुग में, उसी प्रकार उस समय भी सभी को पहले से पूर्वामान था, पूर्वाभास था कि भाई प्रभु यहाँ पे जन्म लेने वाले हैं, अवतार होने वाला है। तो जिस दिन प्रभु का अवतार होता है, जिस दिन प्रभु का जन्म होता है, उस दिन मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उस दिन को मनाना, उस दिन को अपनी जीवात्मा को पवित्र करना। ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं कि एक दिन के कर्म से भी आपको प्रभु के लोक की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग साधारण लोग होते हैं ना, सामान्य लोग, जो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लोगों से दुश्मनी पालते हों या जो दुष्ट तरह के हों कि लोगों को बेवजह परेशान करना, बिना किसी अकारण लोगों को परेशान करना, जो दुष्ट तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोग जो नहीं होते, जो साधारण होते हैं कि भाई अपना साधारण जीवन जी रहे हैं, सात्विक रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोग एक दिन के भी ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जिनसे वैकुंठ लोक में उनका स्थान बन सकता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं, उनमें ही एक उपाय होता है जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का। जन्माष्टमी के दिन जो मनुष्य व्रत नहीं रखता उसको दोष लगता है सृष्टि में, उसको दोष लगता है कि प्रभु के अवतार के दिन आपने व्रत नहीं रखा। व्रत रखना चाहिए। उस दिन अगर आप व्रत रखते हो, मतलब कि उस दिन आप अपनी ऊर्जा को, अपने जो जीवात्मा आपके अंदर जो बैठी हुई है, जो जीव तत्व परम ब्रह्म का जो तत्व बैठा हुआ है, उसको आप ईश्वर से जोड़ना चाहते हो, आप जोड़ देते हो उस दिन, इसीलिए इस इच्छा से कि प्रभु का आज जन्म है, आज जन्माष्टमी है, आपको व्रत रखना चाहिए। जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो निराहार होता है। जन्माष्टमी के व्रत में सारा दिन आपको निराहार रहना होता है। अगर आप आवश्यकता है तो फलाहार कर सकते हो आप, और फिर रात्रि का जो पूजन है, सारी चीज़ें हैं वो आपको करना होता है, और इसमें फलाहार ही करना होता है, चाहे आप दिन में लीजिए, चाहे आप शाम को लीजिए, और भोजन फिर अगले दिन आपको लेना होता है। तो जन्माष्टमी का जो लोग व्रत करते हैं, फलाहार पे किया जा सकता है, चाहे आप 2 बार फलाहार करो, दिन में भी और शाम को भी, जैसे आपकी व्यवस्था हो। बहुत सारे साधक ऐसा करते हैं कि भाई दिन में वो व्रत रख लेते हैं और रात्रि को वो भोजन कर लेते हैं पूजा पाठ करने के बाद, कि भाई 12 बज गए हैं और अब वो जन्मोत्सव मना लेते हैं, कान्हा जी का पूजन कर लेते हैं, उनको नहला धुला के कपड़े पहना के भोग लगा देते हैं और उसके बाद भोजन कर लेते हैं। ये लोग करते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं आप वही कीजिए कि सारा दिन आप व्रत रखिए और शाम को आप फलाहार कर लीजिए, रात्रि में भोजन मत कीजिए, अगले दिन भोजन कर लीजिए। तो व्रत जो रखता है ना, उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं, जो मन के साफ होते हैं, जो किसी प्रकार के ऐसे लोग नहीं है, जो बहुत नहीं होते ऐसे लोग, जो बहुत दुष्ट होते हैं, बहुत सारे जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए होते हैं, लोगों की जमीन हड़पी हुई होती है, लोगों का पैसा, लोगों को राजनीति के द्वारा परेशान किया हो, लोगों किसी की हत्या करवाई हो, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ये कुछ भी करें इनको तो भोगना पड़ता है। लेकिन जो साधारण बाकी के सामान्य गृहस्थ लोग हैं, जो अपना साधारण सीधा सादा जीवन जी रहे हैं, अगर ये लोग जन्माष्टमी जैसा व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, तो इन लोगों को वैकुंठ के इनके लिए द्वार खुल जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। जन्माष्टमी के दिन आप प्रातःकाल उठिए, उस दिन आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि भाई हम अब आपका व्रत धारण कर रहे हैं,
प्रभु का स्नान कराए, ये सुबह की बात बता रहे हैं हम कि सुबह आप उठ गए, जब भी आप उठते हैं उसके बाद आपने नहा धो के अपना प्रभु को इस बाल गोपाल को स्नान करवाया, उसके बाद उनको आप पंचगव्य से दूध दही शहद घी इनसे आप स्नान करवा सकते हैं, आप उनको चंदन के जो रहता है पाउडर उसको दूध में मिला के उससे कर सकते हैं, या चंदन के पाउडर को आप पानी में मिला के गंगा जल है या जल में मिला के उससे आप उनका स्नान कराइए, उसके बाद फिर उनका वस्त्र पहनाइए, उनको चंदन लगाइए, उनको इत्र लगाइए, उनका पूजन कीजिए, उनको भोग लगाइए। ये सुबह की बात है, सुबह आप ये काम करेंगे, उसके बाद पूजन करने के बाद आप उनको चावल के अंदर दबा देंगे, चावल का जो एक कटोरा ले लो आप, उसमें चावल से उसको पूरा भर दो, उसके अंदर बाल गोपाल की छोटी सी जो मूर्ति होती है उसको उसमें दबा दो, यानी कि वो गर्भ में चले जा चुके हैं। उसके बाद आप अपने पूजा के स्थान पे उनके लिए झूला फूल भोग का सामान जो भी आपको बनाना वो सारी चीज़ें जो तैयारियाँ होती ना वो आप कर सकते हैं अपने घर में पूरा, और वो उसके अंदर गर्भ में रहेंगे, यानी अक्षत चावल के अंदर दबे हुए रहेंगे पूरे दिन। उसके बाद रात्रि में जब 12 बजते हैं तो उनको उसमें से निकालिए, यानी कि उनका जन्म हो चुका है, उसके बाद फिर उनको दोबारा सुबह जैसा ही स्नान कराइए, पंचगव्य से आप स्नान कराइए, उनको फिर से तैयार कीजिए, फिर उनको भोग लगाइए और झूला झूलाइए, ये काम आपको करना होता है रात्रि में। तो सुबह आप उनका पूजन एक बार करने के बाद गर्भ में रख दीजिए यानी कि चावलों में, और फिर शाम को उनको आप निकाल दीजिए। तो ये बहुत ही पवित्र विधि होती है करने की, और भोजन फिर आप अगले दिन सुबह कीजिए, क्योंकि आप दो समय फलाहार कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, सुबह पूजन करने के बाद कर सकते हो और शाम को आप फलाहार कर सकते हो, फिर रात्रि में आप बढ़िया जन्माष्टमी मनाइए। तो देखिए इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो दिन में आपने व्रत रखा है, दूसरा रात्रि में आपका जागरण हो गया है। रात्रि अगर पूरी जागृत कर ली आपने तो ये समझ लो कि बैकुंठ से जो भगवान विष्णु के गण होते हैं ना, उनके जो सेवक होते हैं, वो वहीं से आपके ऊपर दृष्टि उनकी पड़ जाएगी कि भाई इन्हें हमें जब भी इनकी मृत्यु होगी इन्हें हमें बैकुंठ में लेके आना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप बैकुंठ जाना चाहते हैं या गोलोक धाम जाना चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना होती है उसके अनुसार ही आपका बुलावा आएगा। तो वहीं अगर रात्रि जागरण आपने कर लिया है जन्माष्टमी के दिन, तो आप जिनके अंदर श्रद्धा हो तो पहले आप पता भी कर सकते हो कि भाई जन्माष्टमी के दिन अपने शहर में कहाँ पे रात्रि जागरण होता है, भगवान श्री कृष्ण का कौन सा मंदिर है जहाँ रात्रि जागरण होता है, भजन वगैरह चलते हैं, ये आप कर सकते हो। तो भाई 12 बजे अपना 12 बजे से पहले आप भजन, बहुत लोग ऐसा करते हैं 12 बजे के पहले भजन में चले गए कि भैया 9 बजे चले गए भजन, भजन में 8 बजे चले गए, खूब भजन में शामिल हुए और 11:30 तक घर आ गए कि अब अपन घर में बाकी का काम करेंगे, प्रभु का जो भी है फिर अब जन्म उत्सव मनाना है घर में अपने को, तो वो फिर वो इंतजार करते हैं, तो ये चीज़ें करते हैं, तो ये आप कर सकते हो। और आप चाहो तो भाई ऐसा करो कि 12 बजे तक घर में आपने भजन वगैरह कर लिया, या फिर आपने मंदिर पहले चले गए घर आ गया, 12 बजे उनका जन्मोत्सव मना के फिर आप भजन करने के लिए मंदिर में चले गए, जहाँ रात्रि जागरण होता हो तो आप अकेले ना जाएं, साथ में किसी को लेके जाएं, जैसे दो लोग चले गए घर से, जैसे कोई साधिकाएं हैं तो अपनी माता जी के साथ जा सकते हो आप, तो अपने समीप के किसी भी मंदिर में रात्रि जागरण अगर आपने कर लिया तो विश्वास मानिए कि आपके लिए प्रभु के लोक के द्वार खुल गए। इतना ज़्यादा महत्व रखता है वो दिन जिस दिन प्रभु का अवतार होता है इस धरती पर, इस सृष्टि में, चाहे वो भगवान श्री राम का जन्मदिन हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हो, जिस दिन भी इनका जन्म होता है वो बहुत महत्व रखता है। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को व्रत रखना बहुत जरूरी है। पूरे जीवन में अगर आप देखोगे, जब भी आपका ज्ञान विवेक जागृत हुई और आपको पता चला कि ये चीज़ अपने को करना चाहिए, तो पूरे जीवन में अगर आपकी उम्र 40 साल है तो पूरे जीवन में आप 40-45, खैर आखिरी में तो रखना मुश्किल हो जाता है, तो मान लो कि आने वाले समय में 40 ही आप जन्माष्टमी के व्रत रख पाएंगे, तो सोचो कि 40 तो हो गए अपने जन्माष्टमी के व्रत, बाकी के अपने एकादशी के व्रत हो जाएंगे, और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कार्य अपने हाथों हो जाएंगे जिनसे कि अपने पूर्व जन्मों के जो पाप हैं, जिनकी वजह से जन्म और मृत्यु के चक्र में हम फंसे हैं, वो नष्ट हो जाएं सारे के सारे पाप। तो 40 पर आपको जन्माष्टमी मिल रही है, बाकी आपकी एकादशी हो जाएगी, तो इन मौक़ों को गंवाना नहीं है। जितने भी वैष्णव हैं जो भगवान श्री राम को मानते हों, भगवान श्री कृष्ण को मानते हों, वो सभी साधक साधिकाएं जन्माष्टमी का व्रत जरूर करें। ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ना करने का भी दोष लग जाता है। एक तो एकादशी व्रत ना करने का दोष लग जाता है कि मनुष्य जीवन पाया पर एकादशी व्रत नहीं किया, दूसरे भगवान के जन्म का उत्सव आपको मनाना चाहिए। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे,
तो ये थी जानकारी जन्माष्टमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वो व्रत होता है। इसके अलावा आप चाहें तो मंदिरों में जाएं, उस दिन दान पुण्य करें, आप घर से अब अनाज लेके जाना बहुत अच्छा रहता है, घर से चावल जैसे लेके चले गए, मंदिरों के बाहर जो बाहर भिक्षा मांग रहे होते हैं उनको आप चावल का दान करते हैं तो बहुत अच्छा उत्तम रहता है, बहुत अधिक उत्तम रहता है। पैसे से ज़्यादा अन्नदान महत्व रखता है, पैसे से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति सोचे कि चलो मैं 50 रुपये दान कर दूंगा तो वो उस 50 रुपये से 1,00,000 गुना ज़्यादा पुण्य रहता है अन्न दान करने का। अगर आपने घर से अन्न लेके गए हैं कि भाई 100 ग्राम या आपने 250 ग्राम एक पाव अपने चावल लेके गए हैं और वो आपने दान कर दिया, या किसी को आटा दान कर रहे हो, तो उसका महत्व ज़्यादा होता है अन्न का। तो उस दिन आप चाहें तो भंडारा रख सकते हैं छोटा सा, अपने पास के किसी भी मंदिर में आप भंडारा रख सकते हो जिसमें आप खिचड़ी बाँट सकते हो, जो व्रत की होती है फलाहारी, आप खिचड़ी बाँट सकते हो साबूदाना की, ये कर सकते हो आप, या फल भी बाँट सकते हो, आप केले ले जाओ 2-4 दर्जन केले लेके गए, केले बाँट दो। तो उस दिन इस प्रकार के खाने पीने की वस्तुओं के दान का भी विशेष महत्व होता है। तो जो भी हमसे जुड़े हुए वैष्णव हैं, जो भगवान श्री राम को श्री कृष्ण को मानते हैं, या जो लोग शिव जी को अपना इष्ट तो मानते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं कि भाई हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी कर्म हैं, चाहे वो हम शिवरात्रि व्रत रखें, चाहे हम जन्माष्टमी, हम हर तरीके से अपने पाप कर्म को नष्ट करना चाहते हैं, तो हम सब जैसे हम शिवरात्रि व्रत भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं तो हम भगवान शिव के व्रत नहीं रखते। हम 16 सोमवार कितने ही बार रख लिए गिनती भी याद नहीं है, हम तो कोई पूछे कि भैया आपने जीवन में 16 सोमवार कितनी बार रखा, हमें तो गिनती भी याद नहीं है भगवान शिव के, हम 16 सोमवार कितनी बार रखे, हमने पशुपतिनाथ व्रत कितनी बार कर चुके हैं, सोमवार व्रत कितनी बार कर चुके हैं, शिवरात्रि व्रत कितनी बार कर चुके हैं, शिव जी की साधना कितनी बार कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईष्ट भगवान एक है तो अपन अन्य देवी देवता को सम्मान ना दे, नहीं दे सकते हैं। तो जो लोग शिव जी को मानने वाले हैं, जो भगवान शिव को अपना ईष्ट मानते हैं, वो चाहें तो जन्माष्टमी का व्रत भी कर सकते हैं। तो इस दिन ये सारे काम कर सकते हो आप कि व्रत भी रखो और इस प्रकार के दान करो आप खाने पीने की वस्तुएं, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारा ये परिवार है, आप लोग साधक साधिकाएं, ये सारे के सारे एक भी ना चूके, जितने भी हैं सारे के सारे मोक्ष पाना चाहिए, सारे के सारे लोगों को अपने प्रभु के धाम, चाहे वो आप शिवलोक जाना चाहते हो, चाहे आप वैकुंठ लोक जाना चाहते हो, भगवान श्री नारायण के लोक जाना चाहते हो, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण के गौ लोक धाम जाना चाहते हो, चाहे आप श्री राम के साकेत धाम जाना चाहते हो, जिस भी लोक में आप प्रवेश चाहते हो आप जा सकें, इतने लक्ष्य को सामने रख कर हम चल रहे हैं कि सभी साधक साधिकाएं जो जो हम बता रहे हैं इन चीज़ों को करते चलो अपने जीवन में, कि ईष्ट का प्रतिदिन भजन करना है, कीर्तन करना है, उसके ऊपर अलग से एक और वीडियो बनाते हैं हम, पहले तो बनाते रहते हैं हम क्या क्या करना है, साथ में आप ये व्रत उपवास भी करते चलिए, तो इनसे आपको प्रभु के धाम की प्राप्ति होगी। तो हमारा उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति सभी साधक साधिकाओं की, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके मन में श्रद्धा है कि सारे कर्तव्य निभाएंगे जीवन के पर मोक्ष हम जरूर पाएंगे, ऐसे साधक साधिकाओं को साथ लेकर हमारा लक्ष्य है कि हम चलें। तो ये थी जानकारी कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर, 7 सितंबर को आपको व्रत रखना है, हम भी रखेंगे, आप भी रखिए, अभी तक के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा।